जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक स्लैशर मूवी फाउंडर्स डे के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें मेलिसा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक लेस्बियन थी और वो एलिसन नाम की लड़की से प्यार किया करती थी। उसके पिता का नाम होता है मिस्टर फॉन्कनर और वो इस साल के मेयर के इलेक्शन के लिए खड़े होने वाले थे, लेकिन वो अपनी बेटी से कहते हैं कि वो उस लड़की से मिलना बंद कर दे। यार, लोगों को पता चल गया कि एक पॉलिटिशियन की बेटी लेस्बियन है तो वो लोग क्या सोचेंगे। मेलिसा उसकी एक नहीं सुनती और गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो एलिसन के पास जाती है जहाँ पर एलिसन उसे एक तोहफा देती है, और फिर एलिसन उसके रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर मेलिसा का भाई एडम काम कर रहा था। तभी एडम देखता है कि वहाँ पर उसकी एक्स रॉब नाम के बंदे के साथ मेकआउट कर रही है, तो वो उन दोनों को रोकता है और उनसे कहता है कि वो यहाँ पर ये काम नहीं कर सकते। उसके बाद एलिसन मेलिसा के साथ एक ब्रिज पर जाती है जहाँ पे अक्सर कपल्स ताले लगाए करते थे अपने नाम के, ताकि उनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। एलिसन और मेलिसा भी वहाँ पर एक ताला लगा देती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक कातिल आ जाता है जो कि अपनी गाड़ी में आया था। मेलिसा को लगता है कि शायद उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, तो वो वहाँ पर जाती है उससे लड़ने के लिए, लेकिन उस कातिल ने एक मास्क पहना था जिसे देख कर वो डर जाती है और वो उसे बुरी तरह पीटने लगता है और वो ब्रिज से उसे नीचे गिरा देता है, जिससे मेलिसा पानी में गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर एलिसन बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो टाउन की तरफ भागती है जहाँ पर सभी लोगों को वो इस बारे में बताती है। अगली सुबह हाई स्कूल में सारे बच्चे प्रेजेंट होते हैं और उनका प्रोफेसर उन्हें पढ़ा रहा होता है। प्रोफेसर एडम और लिली को एक साथ आने के लिए कहता है ताकि वो यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दे सकें, और जब वो दोनों साथ में जाते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन लिली एडम की एक्स थी जिसकी वजह से वो उसके साथ ढंग से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता। तभी वहाँ पर डेप्यूटी आता है जो कि उन सबको उस मर्डर के बारे में बताता है और इस उनके पूरे स्कूल को रद्द कर दिया जाता है। एडम को जब अपनी बहन की मौत की खबर मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा रोता है, और फॉकनर एलिसन के डैड से लड़ रहा होता है कि उसकी बेटी ने उसकी बेटी की जान नहीं बचाई। कमिश्नर एलिसन से पूछती है कि वो वेपन कैसा था, तो वो उसे वेपन के डिज़ाइन बना के दिखाती है, तो कमिश्नर उससे कहती है कि ये वेपन तो काफ़ी ख़तरनाक लगता है। वहाँ पे ब्लेयर नाम की औरत मेयर थी और वो इस बार दोबारा मेयर की पोस्ट के लिए खड़ी हो रही थी। जब उसे उस मर्डर की खबर मिलती है तो वो कहती है कि वो अपनी रैली बिल्कुल भी नहीं रोकेगी, क्योंकि उसके ओपोनेंट की बेटी मरी है, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। तभी वहाँ पर फॉकनर आ जाता है जो कि उससे कहता है कि उन्हें इलेक्शन रुकवाने होंगे, लेकिन वो उससे कहती है कि किसी भी हाल में वो इलेक्शन नहीं रोकने वाली, क्योंकि इस इलेक्शन में वही जीतने वाली है। अगले दिन एलिसन जब स्कूल में होती है तो वहाँ पर एक बंदा चाकू लेकर उसके पास आके अटैक कर देता है, और एलिसन इससे काफ़ी डर जाती है। और जब वो बंदा अपना मास्क हटाता है तो वो देखती है कि वो एक प्रैंकस्टर है जो कि उसके ऊपर प्रैंक कर रहा था। तभी उस प्रैंकस्टर की गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों उस पर हंसने लगते हैं, और प्रोफेसर वहाँ पर आकर उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। वो एलिसन से कहता है कि वो बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि वो इन दोनों को सज़ा दिला कर रहेगा। इधर कमिश्नर और डेप्यूटी मेलिसा की बॉडी ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन नदी में कहीं पे भी उसकी बॉडी उन्हें नहीं मिलती, जैसे उन्हें लगता है कि शायद उसकी बॉडी बहकर कहीं और चली गई होगी। वो फॉकनर और उसकी वाइफ को इस बारे में बताते हैं, तो फॉकनर उनसे कहता है कि उसे उसकी बेटी की लाश किसी भी हाल में चाहिए। रात को एडम एलिसन के घर में आता है जहाँ पर उसका पिता उसे अंदर बुला लेता है, और वो उसे कहता है कि उसकी बहन की लॉस के लिए उसे काफ़ी खेद है। एडम उससे कहता है कि उसके पिता तो बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें बस इलेक्शन से मतलब है और उन्हें ये नहीं लग रहा कि उनकी बेटी मर गई है। एलिसन का पिता उसे बताता है कि वो बचपन से उसका दोस्त है और बचपन से ही उसका नेचर ऐसा ही रहा है। वो हमेशा से पॉलिटिशियन बनना चाहता था और वो इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एडम को उसके पिता बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। तभी एडम को लिली का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है, और जब एडम एलिसन को ये बताता है तो एलिसन उससे कहती है कि उसे वहाँ पर जाना चाहिए ताकि वो लोगों से मिलके अपना माइंड डाइवर्ट कर सके। ये सुनके वो उसकी बात मानता है और वो लिली से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर लिली उसे गले से लगा लेती है और उससे कहती है कि उसकी बहन की मौत का उसे खेद है। रॉन दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और उसे काफ़ी जेलसी फील होने लगती है और उसे लगने लगता है कि शायद वो दोनों दोबारा से एक हो जाएंगे। इधर टाउन के सभी लोग एक बार में होते हैं जहाँ पर वो सभी डिसाइड करने लगते हैं कि उन्हें इलेक्शन कैंसिल करना चाहिए या नहीं, लेकिन वहाँ पर विरोधी भी होते हैं जिनमें बीच में लड़ाई होने लगती है, और प्रोफेसर उन्हें शांत कराता है और कहता है कि वो बिल्कुल भी लड़ाई ना करें। इधर एडम लिली से मिल के एलिसन के साथ वापस घर जाने लगता है, और रॉन को ये देख कर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए लिली को गाली देने लगता है और उससे कहता है कि वो जानता है कि वो अभी उससे प्यार करती है। लिली उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से भाग निकलता है, और भाग के वो उस बार में पहुँचता है और बियर मांगता है, लेकिन वो लेडी उससे कहती है कि वो उसे बियर नहीं दे सकती क्योंकि उसकी एज बहुत ही ज़्यादा कम है। तभी वहाँ पर डेप्यूटी आ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो बियर क्यों पीना चाहता है, और ये सुन के वो उसे मारना चाहता है, लेकिन डेप्यूटी उसे रोक देता है और उसे कहता है कि वो अभी बच्चा है और उसे लड़ना बिल्कुल नहीं आता।
इधर लिली जब अकेली होती है तो उसे एडम याद आ रहा होता है और एडम उसे चैट करने लगता है जिससे उसे उसकी याद आने लगती है। वो तुरंत उसका जैकेट पहनती है जो कि उसने उसे दिया था और वो उसे बताती है कि उसके जैकेट में उसकी खुशबू आ रही है। तभी लिली को थिएटर के अंदर से कुछ आवाज़ आती है और जब वो थिएटर के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर वो दोनों प्रैंकस्टर्स मिलते हैं जो कि उसको डराते हैं, तो वो पेपर स्प्रे उसकी आँख में मार देती है जिससे कि वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। उसके बाद लिली जब वहाँ से जाने लगती है तो अचानक से मूवी स्टार्ट हो जाती है और ये देखकर उसे अजीब लगता है कि आखिर वहाँ पर कौन मौजूद है। जब वो पीछे मुड़ती है तो वो अपने सामने उस मास्क पहने कातिल को देख पाती है जो कि उसके सामने कांच फोड़ देता है और उस कांच पे वो गिर जाती है जिससे कि वो आगे नहीं भाग पाती और वो कातिल उसे जान से मार डालता है। इधर एडम एलिसन के घर में ही रुका होता है जहाँ पे एलिसन उससे पूछती है कि आखिर वो लिली से अलग क्यों हो गया, तो वो उसे बताता है कि दरअसल लिली उसे धोखा दे रही थी। एक दिन मेलिसा ने उसे रॉब के साथ देख लिया था मेकआउट करते हुए, इसीलिए उसने लिली के साथ ब्रेकअप कर लिया। और एलिसन का पिता वहाँ पर आता है और उसे सोता हुआ देखकर वो मुस्कुराता है। तभी अचानक उसे घर से बाहर कुछ आवाज़ आती है और वो एलिसन से कहता है कि वो अपने बेड पे ही रहे। वो एक औजार लेकर बाहर जाता है देखने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर उसे वो दो प्रैंकस्टर्स लड़के और लड़की मिलते हैं जो कि उसके घर में प्रैंक करने के लिए आए थे और वो तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। एलिसन का पिता कहता है कि ये दोनों बच्चे कभी नहीं सुधरने वाले। अगली सुबह एलिसन के घर फॉन्कनर आता है जो कि उसके पिता को डांटता है और उससे कहता है कि वो उसके बेटे से दूर रहे, लेकिन वो उससे कहता है कि उसका बेटा ही रात को आया था एलिसन से मिलने के लिए क्योंकि उसके पास कोई और नहीं था बातें शेयर करने के लिए। ये कह के फॉन्कनर अपने बेटे एडम को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद फॉन्कनर को ब्लेयर मिलती है जो कि उससे कहती है कि वोट वो उसे ही दे और ये ताना सुनकर फॉन्कनर बहुत ही गुस्सा करता है। इधर प्रोफेसर उन दोनों प्रैंकस्टर्स को सबक सिखाने के लिए उन्हें 2000 बार सॉरी लिखने के लिए कहता है और उनके फ़ोन्स लेकर वो चला जाता है और कहता है कि ये फ़ोन तभी उन्हें मिलेंगे जब वो लिख कर वो लाएंगे। अब वो दोनों अकेले ही स्कूल में वो काम करने लगते हैं, लेकिन तभी वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वहाँ पर वो इंटीमेट हों। और जब वो दोनों साथ में इंटीमेट हो रहे होते हैं तो अचानक से वो कातिल वहाँ पर आ जाता है जो कि हथौड़े से उस लड़के का सर फोड़ देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और ये देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है और वहाँ से भागकर वो बास्केटबॉल कोर्ट में पहुँचती है जहाँ पर वो कातिल आ जाता है और उसे ढूंढने लगता है। तभी वो देखती है कि वो कातिल ठीक उसके पीछे खड़ा है जो कि हथौड़े से उस पर भी वार कर देता है जिससे कि उस लड़की की भी मौत हो जाती है। इधर रॉब थिएटर से जब गार्बेज फेंकने के लिए डस्टबिन की ओर जाता है तो डस्टबिन के अंदर उसे अपनी गर्लफ्रेंड की लाश मिलती है और ये देखकर वो ज़ोर से चिल्लाता है और तुरंत पुलिस के पास जाके उन्हें ये बात बताता है। डिप्यूटी ये देखकर हैरान हो जाता है और वो ब्लेयर के सेक्रेटरी को ये बात बताता है और ब्लेयर का सेक्रेटरी जब ब्लेयर को इसके बारे में बताता है तो ब्लेयर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि अब उस कातिल ने उसकी बेटी को भी मार दिया था। वो तुरंत डस्टबिन के पास जाती है और लिली की लाश को देखकर ज़ोर से चिल्लाती है जिससे कि कन्फर्म हो जाता है कि ये उसी की लाश है। इधर एलिसन जब स्कूल में आती है अपने लॉकर से कुछ लेने के लिए तो अचानक से उसे क्लासरूम में कुछ आवाज़ आती है। जब वो क्लासरूम में पहुंचती है तो वो एडम को देखती है और उसने उस कातिल का कॉस्ट्यूम भी पहना हुआ था जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो वही कातिल है। एडम उसे समझाने के लिए उसके पास जाता है और उसका पीछा करने लगता है और वो जब उसे जान से मारने वाला होता है तो एलिसन का पिता वहाँ पर आकर उसके पेट में लकड़ी घुसा देता है जिससे कि एडम की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी प्रोफेसर भी वहाँ पर आता है और ये सब देखकर वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो सबको पता लग जाता है कि एडम ही कातिल था जो कि एक एक करके उन सबको मार रहा था। फॉन्कनर एलिसन के पिता पे बहुत ही गुस्सा करता है क्योंकि उसने उसकी बेटी की जान ले ली थी, लेकिन उसके पिता का यही कहना था कि उसने सेल्फ डिफेंस में ये किया है वरना वो उसकी बेटी को जान से मार डालता। वो कमिश्नर के सामने भी यही बयान देता है और कमिश्नर उसकी बात मान के उसे वहाँ से जाने देती है। एलिसन जब अपने कार में होती है तो उससे मिलने के लिए रॉब आता है जो कि उससे कहता है कि पुलिस को उस पर भी शक है इसीलिए वो उसके पीछे पड़ी हुई है और तभी वो यहाँ से भागा है। एलिसन उस पर विश्वास नहीं करती और उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उससे कहता है कि वो दोनों साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। इधर ब्लेयर की मेयर स्पीच होने वाली होती है लेकिन वो अपनी बेटी के मौत के गम में बहुत ज़्यादा दारू पीने लगती है और सेक्रेटरी उसे रोकता है करने के लिए लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकती। उसके बाद सेक्रेटरी बाहर आकर सबसे कहता है कि मेयर को आने में बहुत देर हो जाएगी तो उन लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इधर रॉब एलिसन को कहता है कि उसे लगता है कि अभी कोई और कातिल भी है और उन्हें पता लगाना होगा कि आखिर वो कातिल कौन है। ये सुनकर एलिसन उसकी बात मान लेती है और कार स्टार्ट कर देती है और वो दोनों साथ में एक साथ जाने लगते हैं और उसका पिता और वो डेप्यूटी उनका पीछा करने लगते हैं। इधर ब्लेयर वहाँ पर अपनी स्पीच देने के लिए आ जाती है क्योंकि सबसे कहती है कि उन लोगों को घर घर जाके पता लगाना पड़ेगा कि आखिर कातिल कौन है क्योंकि उस कातिल ने उसकी बेटी को जान से मार डाला है। सब कहते हैं कि वो पागल हो गई है और उसे अब वो लोग वोट नहीं देंगे और ये सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपने कैबिन में चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि पहले से ही फॉन्कनर मौजूद है।
कांग्रेस उससे कहता है कि अब तो वो पक्का हारने वाली है क्योंकि लोग उसका बयान सुन के अब उसे वोट नहीं देने वाले। ये सुन के उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो कातिल आ जाता है जो कि ब्लेयर के मुंह के अंदर एक चाकू घुसा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है, और उसके बाद वो फॉन्कनर का भी मुंह काट डालता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। तभी कमिश्नर वहाँ पर आ जाती है जो कि उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कातिल उसे भी जान से मार डालता है। इधर एडिसन और रॉब उस ब्रिज पे पहुँचते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ताकि वो पता लगा सके कि आखिर मेलिसा की लाश कहाँ पर चली गई होगी। तभी वहाँ पर डेप्यूटी आ जाता है जो कि उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, और एडिसन से वो झूठ कहता है कि उसके डैड की जान खतरे में है। ये सुन के एडिसन घबरा जाती है और उन दोनों को उस पर विश्वास नहीं होता, जिससे कि रॉब उसकी गन ले लेता है और उन दोनों में झड़प हो जाती है, और जब वो गन चलती है तो डेप्यूटी की वहीं पर मौत हो जाती है। एडिसन ये देखकर घबरा जाती है और वो तुरंत वहाँ से भाग निकलती है, और जब वो भागकर अपने घर में पहुंचती है तो वहाँ पर उसे एक अलग ही माहौल नज़र आता है जहाँ पर चारों तरफ फूल फैले हुए थे। ये देखकर उसे पता लग जाता है कि वो कातिल यहीं पर है, इसीलिए वो एक कैंची को अपने हाथ में ले लेती है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद वो ऊपर वाले रूम में जाती है जहाँ पर जब वो बेड के नीचे देखती है तो वो उस कातिल को पाती है, और वो उस कैंची से उसको स्टैब करने ही वाली होती है कि तभी वो कातिल चिल्ला देता है, और जब उसका मास्क हटाती है तो वो देखती है कि वो उसका डैड है जिसे उस कातिल ने बांध रखा था और उसको अपना ही लुक दिया था ताकि वो गलती में आके अपने पिता को ही मार डाले। तभी वो कातिल उसके पीछे आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। जब एलिसन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है, और उसके सामने वो कातिल होता है जो कि अपना मास्क हटाता है, और एलिसन देखती है कि उस मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेलिसा है जो कि अभी ज़िंदा थी और वही ये कत्ल कर रही थी। एलिसन उसकी शक्ल देखकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। तो वो उससे कहती है कि उसके भाई और उसने मिलकर ये सब किया क्योंकि पूरा टाउन करप्ट हो चुका था इंक्लूडिंग उसका पिता, और उसके पिता को इस टाउन से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ उसे पैसे कमाने थे, और जो रिसेंट मेयर थी उसे भी सिर्फ पैसे ही कमाने थे, इसीलिए उसने उन दोनों को सबक सिखाना चाहा और हर उस इंसान को मार दिया जो कि उसके करीब था। वो सही बताती है कि आज उसने अपने पिता को भी जान से मार डाला, और उसके बाद उसने कमिश्नर को भी जान से मार डाला है। उन दोनों भाई बहन ने मिलकर वो किया क्योंकि वो सब वही डिजर्व करते थे। उसे ये भी कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसके साथ आ सकती है, लेकिन एलिसन उससे कहती है कि वो किसी मर्डरर का साथ नहीं देने वाली। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आ जाता है जो कि मेलिसा को अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है कि उन्हें इसे छोड़ना होगा क्योंकि ये लड़की बिल्कुल भी करप्ट नहीं है। मेलिसा उसकी बात नहीं सुनती और उससे कहती है कि एलिसन को मरना ही होगा, और वो प्रोफेसर के हाथ में हथौड़ा थमाती है, लेकिन प्रोफेसर एलिसन की जगह उसे ही उससे स्टैब कर देता है जिससे कि वो जख्मी हो जाती है, और एलिसन अपने आप को छुड़ा के वहाँ से भागने लगती है। मेलिसा उसके भागने नहीं देती और उसे पकड़ लेती है, और उन दोनों के बीच जब लड़ाई हो रही होती है तो एलिसन मेलिसा को स्टैब कर देती है जिससे मेलिसा की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी प्रोफेसर वहाँ पर आता है और एलिसन से कहता है कि उसने ही ये सब कुछ प्लान किया था, उसने ही अपने प्यादों को तैयार किया ताकि करप्शन से वो मुक्त हो सकें, और उसके प्यादों ने उन सबको मार डाला जिससे कि अब वो करप्शन से मुक्त हैं। अब वो मेयर बनेगा और वो उसे एक बहुत बड़ी पोस्ट पे रखेगा, और वो सभी अच्छे से यहाँ पर काम कर पाएंगे। वो उसकी बात मान लेती है और उसके साथ हो जाती है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर के साथ सिर्फ वही दोनों नहीं थे बल्कि वो डेप्यूटी और मेयर का सेक्रेटरी भी था। उन सब ने मिलकर ये सब प्लान किया था और उन सबको एक एक करके मारा था। फिर हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हम प्रोफेसर को एज अ न्यू मेयर देख पाते हैं, और उस शहर में अब बिल्कुल भी करप्शन नहीं था और वहाँ पर सभी लोग अच्छे से रह रहे थे। एलिसन भी वहाँ पे एक अच्छी पोस्ट पे थी और वो अपनी स्पीच दे रही थी जहाँ पे उसका पिता उसका बहुत ही ज़्यादा समर्थन करता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फाउंडर्स डे की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसमें ये दिखाया गया है कि करप्शन कितना ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से लोग अपनी ज़िंदगी ढंग से नहीं जी पा रहे हैं, और उन्हीं पॉलिटिशियन और उनके फैमिली को सबक सिखाने के लिए प्रोफेसर ने ये आइडिया अपनाया जिससे कि अब वो एक अच्छी सोसाइटी बना सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।